हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस मतलब टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट द सिचुएशन। आपकी सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अगर आपका हो सकता है कि आपका सपोज ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज करते हुए क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, क्योंकि एक्सरसाइज करते हुए हमारी स्केलेटल मसल्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, तो हमारा हार्ट क्या करेगा, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को सप्लाई करने के लिए ब्लड की पंपिंग को बढ़ा देगा, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, हार्ट रेट ऑब्वियसली बढ़ गया, ज़्यादा ब्लड आपकी ब्लड वेसल में जा रहा है, इस वजह से ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो जाता है, होता है ना। कब हुआ? क्योंकि आपकी बॉडी की डिमांड को पूरा करने के लिए एक्सटर्नली आप क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, उस टाइम पे आपको ज़रूरत थी कि आपका हार्ट रेट बढ़े, कार्डियक आउटपुट बढ़े, तो वो बढ़ा बढ़ा ना। अब वहीं दूसरी ओर जब आप क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, सपोज एक्सरसाइज हो गई, फिनिश हो गई, अब आप रेस्ट कर रहे हैं, तो रेस्ट करते हो तो क्या होता है, हार्ट रेट वापस से कहाँ आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है। तो ये किस वजह से हुआ, ये भी तो आपका बॉडी ने ही किया, जब ज़रूरत थी तो बीपी को बढ़ाया, हार्ट रेट को बढ़ाया, जब ज़रूरत नहीं है तो बीपी और हार्ट रेट कम हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं हम, होम्योस्टेसिस, बैलेंस को मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो कैसे हमारी बॉडी में ये बैलेंस मेंटेन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। सो इन केस ऑफ होम्योस्टेसिस जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास तीन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो देखें वो कंपोनेंट कौन से हैं, कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज, पहला क्या है आपका, सेंसर। सेकेंड कंपोनेंट इज कंट्रोल सेंटर एंड द थर्ड कंपोनेंट इज इफेक्टर। इफेक्टर, ओके। सो वन बाय वन हम सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि ये कंपोनेंट्स क्या हैं। तो ऑब्वियसली आपको जो बात दिमाग में रखनी है वो केवल यही रखनी है कि जब भी बॉडी क्या करती है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या नीड के अकॉर्डिंग एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है, तो उसमें ये तीन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या कंपोनेंट है आपका, सेंसर। सेंसर वो कंपोनेंट है जो सेंस करेगा बेसिकली, है ना, क्योंकि देखो हमें पता है कि हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है, ऑब्वियसली सारी चीज़ें कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, बट ब्रेन के पास मैसेज तो जाना चाहिए, जब तक ब्रेन के पास कोई इनपुट नहीं जाएगा तब तक ब्रेन अपना आउटपुट नहीं देगा, ये सबको पता है। तो सेंसर से ही आपका क्या जाता है, ये हमारा सेंसर है, सेंसर से ही कंट्रोल सेंटर में क्या जाने वाला है, इनपुट जाने वाला है, और जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या करेगा, इफेक्टर पे अपना क्या भेजेगा, आउटपुट भेजेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से एक चीज तो क्लियर होती है कि जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वो कौन है, हमारा ब्रेन, ठीक है। कंट्रोल सेंटर हमारा क्या रहेगा, ब्रेन, और आप जानते हो, ठीक है, ब्रेन के आपके डिफरेंट पार्ट होते हैं, है ना, और वो डिफरेंट एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। लाइक अगर मैं बात करती हूँ, जितना भी हार्मोनल कंट्रोल है हमारा, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है ना, तो ये जो आपका कंट्रोल सेंटर कौन होगा, ब्रेन का, हाइपोथैलेमस होगा, समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंगली। तो सिंपल सी बात ये है कि मैसेज कहाँ से जाएगा, सेंसर से। नाउ सेंसर कहाँ प्रेजेंट है, ऑब्वियसली ये सेंसर हमारी ही बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना है, यही सेंसर की तरह वर्क करते हैं। सपोज अगर क्या हुआ, किसी सिचुएशन में सपोज आपका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ गया, ठीक है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे, आपके हार्ट ने ज्यादा काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें क्या करना है, बैलेंस करना है सिचुएशन को, होम्योस्टेसिस मतलब बैलेंस मेंटेन करना है ना। आप एक्सरसाइज कर रहे थे, एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये मेरी सपोज ये हमारी क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ब्लड है, तो जब प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स की जो वॉल है, वॉल पे क्या होगा, आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली बात है। तो क्या होता है, देखो ब्लड वेसल्स की वॉल में हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये सपोज रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, इन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम बैरोसेप्टर, ठीक है। तो ये बैरोसेप्टर, एज द नेम सजेस्ट, बैरो मतलब बैरो, कहीं वर्ड यूज किया है, बैरोमीटर,
प्रेशर को मीजर करने के लिए यूज करते हैं ना, तो बैरोसेप्टर क्या करेंगे, प्रेशर सेंसिटिव हैं ये। जब भी इन रिसेप्टर्स का एक्टिवेशन कब होता है, जब आपका इन पे प्रेशर पड़ता है, तो जिस टाइम पे ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, जब ब्लड ज्यादा है प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो ये बैरोसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो सेंसर कौन है यहाँ पे, बैरोसेप्टर, क्योंकि जैसे ही बैरोसेप्टर एक्टिवेट होंगे वैसे ही मैसेज कहाँ चला जाएगा, हमारे कंट्रोल सेंटर पे, ब्रेन पे चला जाएगा। तो बैरोसेप्टर ने किसकी तरह काम किया, सेंसर की तरह काम किया, क्योंकि सेंस किसने किया, किसको सेंस किया, प्रेशर को सेंस किया, तो कौन था, बैरोसेप्टर। समझ में आया। सेकंड, कीमोरिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बैरोसेप्टर थे। इसी तरीके से आप इसी ब्लड वेसल में आप बना लीजिए क्या, कीमोरिसेप्टर। सो दीज आर कीमोरिसेप्टर। सो ऑब्वियसली कीमोरिसेप्टर, एज द नेम सजेस्ट, कीमो मतलब दे आर सेंसिटिव टू केमिकल, ठीक है। पर्टिकुलर केमिकल जब इन रिसेप्टर से बाइंड होगा तभी जाके ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। सेम, जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे मैसेज जाएगा कंट्रोल सेंटर के बाद, और जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए वो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। समझ में आया है। तो सेंसर आपके कैसे भी हो सकते हैं, सेंसर आपके प्रेशर सेंसर भी हो सकते हैं जो प्रेशर को सेंस करते हैं, इवन आपके टेम्परेचर सेंसर्स भी हो सकते हैं जिनको बोलते हैं हम। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक और रिसेप्टर हम बना देते हैं लाइक दिस, वी ऑल्सो हैव थर्मो रिसेप्टर। सो थर्मो मीन्स टेम्परेचर, तो ये रिसेप्टर्स क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव है। तो कोई से भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं, कीमो, बैरो, थर्मो, ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आपके सेंस करते हैं जो भी सिचुएशन है। बैरो प्रेशर को सेंस करेगा, कीमो केमिकल को सेंस करेगा, थर्मो टेम्परेचर को सेंस करेगा। तो इन जैसे ही ये सेंस करेंगे, इनके सेंस करने के बाद ही मैसेज कहाँ जाएगा, कंट्रोल सेंटर में। तो सेंसर के केस में ये रिसेप्टर्स आएंगे। आई थिंक आई मेड माय पॉइंट, सबको समझ में आ गया कि सेंसर्स क्या होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, कंट्रोल सेंटर, ऑब्वियसली जैसे ही ये सेंसर्स एक्टिवेट होंगे, चाहे बैरो हो, कीमो हो, थर्मो हो, जैसे ही इनका एक्टिवेशन होगा वैसे ही मैसेज कहाँ चला जाएगा, ब्रेन पे मैसेज जाएगा, ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट पे मैसेज जाएगा जो इस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इन मैक्सिमम केस जो ब्रेन का जो पार्ट है जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या है, आपका हाइपोथैलेमस, अगर मैं ये होम्योस्टेसिस की बात करती हूँ, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में सपोज मैसेज गया, बिकॉज वी नो, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं थर्मो का, थर्मो आपको सबको पता है, थर्मो मतलब आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर कौन कंट्रोल करते हैं, ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस, है ना। मैसेज गया कंट्रोल सेंटर विच इज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड इज नोन एज हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में मैसेज गया, अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा बेटा, क्या करेगा, उसके पास मैसेज आया है तो वो पहले मैसेज को क्या करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा, समझेगा कि मैसेज क्या आया, ठीक है। जैसे ही हाइपोथैलेमस को पता चला कि हाँ मैसेज ये आया है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, बैरोसेप्टर एक्टिवेट हुए हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, यही मैसेज आया है, तो एकदम से क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी, जो भी आपका डिपेंड करेगा कि क्या चीज रिक्वायर्ड है। सपोज अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, सीधे इफेक्टर, यानी कि सेम जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होगा उस कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए, उस ऑर्गन पे मैसेज भेजेगा और एकदम से क्या होगा, आपका जो भी चीज हुआ था, सपोज बीपी बढ़ा था तो बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, सेंस किसने किया, आपके इन सेंसर्स ने सेंस किया जो हमारे बॉडी पार्ट्स में, हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जो ब्रेन मैसेज भेजेगा वो कहाँ भेजेगा, ये उन पार्ट्स में मैसेज भेजेगा जो इस एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन बहुत ज्यादा समझदार है हमारा, है ना, वही भेजेगा जहां पे क्या होनी है, एक्टिविटी कंट्रोल होनी है। सपोज बीपी बढ़ा था, कौन सा पार्ट है बताइए जो कंट्रोल करेगा, कौन सा पार्ट है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकता है, हमारे कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन से हैं,
हार्ट और ब्लड वेसल्स, है ना। हमें पता है कि हार्ट ने जब बहुत ज्यादा ब्लड पंप किया था एक्सरसाइज के टाइम पे, जब हार्ट रेट बहुत ज्यादा था, वही तो कारण था कि ब्लड प्रेशर ज्यादा था। अगर हार्ट रेट कम हो जाए, कार्डियक आउटपुट कम हो जाए, तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर खुद ब खुद क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो अगर ऐसी थी, इनको अगर डायलेट कर दिया जाए, तो इन दैट केस ऑल्सो ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज, है ना। तो मैसेज कहाँ आएगा, वही आएगा जहां पे कंट्रोल करने की पावर होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस। सो कैसे आपका कंट्रोल रहता है, सेंसर जो सेंस करेंगे चेंज को, जो भी चेंज हुआ है उसे सेंस करेंगे, चाहे चेंज टेम्परेचर था, प्रेशर था, या फिर केमिकल था। कंट्रोल सेंटर जो मैसेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा, देन मैसेज को एनालाइज करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा, देन जो भी रिक्वायर्ड आपका स्टेप है, एक्शन है, उसको क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। इफेक्टर जो कि मैसेज रिसीव करेगा फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर, और इफेक्टर आपके वो ऑर्गन्स होंगे बेसिकली। सो आई एम राइटिंग इट हियर, इफेक्टर्स आर द ऑर्गन बेसिकली, ओके, ऑर्गन्स जो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और कंडीशन। इन केस ऑफ ब्लड प्रेशर द ऑर्गन विल बी हार्ट एंड ब्लड वेसल। क्लियर, समझ में आ रहा है तीनों जो हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं उनका क्या रोल होता है आपका इन होम्योस्टेसिस। ओके, नाउ द थिंग वी विल डिस्कस, द होम्योस्टेसिस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। ठीक है, जो होम्योस्टेसिस होती है वो दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। अब हमें बैलेंस बनाना है, ठीक है, बॉडी बैलेंस बना रही है, हमें ये समझ में आ गया होम्योस्टेसिस का मतलब होता है टू मेक द बैलेंस, है ना। अब जो ये बैलेंस बनता है ना, ये बैलेंस किस बेसिस पे बनता है, ये बनता है फीडबैक मैकेनिज्म के बेसिस पे। समझ में आ रहा है, फीडबैक, क्योंकि ये फीडबैक ही तो है या नहीं है, बताओ, फीडबैक है ना। सेंसर ने कोई मैसेज भेजा कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर ने अपना फीडबैक दिया इफेक्टर को। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ये पूरा जो मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस का है, ये फीडबैक के प्रिंसिपल पे काम करता है। और ये जो फीडबैक होता है, ये दो तरीके का हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। समझ में आ रहा है, इसीलिए जब भी आप होम्योस्टेसिस पढ़ते हो, इसमें हम फीडबैक मैकेनिज्म को पढ़ते हैं, विच कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, जो मैसेज गया था, सपोज ब्रेन के पास कोई मैसेज आया, ठीक है, जो भी मैसेज था, जो ब्रेन रेस्पॉन्ड करेगा ना, वो उसे और भी ज्यादा बढ़ा देगा, जो स्टिमुलाई था उसको और भी ज्यादा बढ़ा देना, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, सपोज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपके पास दो चीजें हैं, आप दो चीजें कर सकते हो, आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपने सोचा कि मैम तो बोलती जा रही है, आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, आप पढ़ना छोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके पास दो ऑप्शन थे, अगर मेरे पढ़ाने के बाद आप और भी अच्छा पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव फीडबैक है, इस चीज को समझिए, ठीक है। आपने पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड किया है, आप पहले पढ़ते थे लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया तो आप और ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो योर रिस्पॉन्स इज पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव क्या होगा कि मैंने आपको पढ़ाया और उसके बाद आपने फिर पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है, तो वो क्या है, आपका नेगेटिव फीडबैक है। या डिपेंड, और भी चीजें होती हैं जो हम एग्जाम्पल के फॉर्म में ले सकते हैं, तो जो बॉडी में भी इसी तरीके का फीडबैक होता है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, जो स्टिमुलाई था, जो आपका मैसेज सेंसर ने भेजा था, वो मैसेज को कंट्रोल सेंटर और भी इंटेंसिफाई कर देगा। समझ रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में सपोज कहीं पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, बॉडी के किसी पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से मैसेज गया था कंट्रोल सेंटर के पास, तो कंट्रोल सेंटर जब इफेक्टर के पास मैसेज भेजेगा तो कॉन्ट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं, और दूसरा कि मान लो स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, कंट्रोल सेंटर के पास मैसेज गया, कंट्रोल सेंटर ने जब इफेक्टर के पास, ऑर्गन्स के पास मैसेज भेजा, तो कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, पहला वाला था पॉजिटिव, स्टार्टिंग में भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, एट द एंड कॉन्ट्रैक्शन ही हुआ। बट नेगेटिव के केस में क्या होगा, स्टार्टिंग में आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, बट एट द एंड जब ब्रेन से वापस मैसेज आएगा इफेक्टर के पास, तो कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया। तो ये आपके क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।